me Pratiksha. So how are you all of you? तो बताइए आप सब हैं कैसे. I hope कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही होंगे और अच्छा ही रहना हमेशा. So आप सबकी क्यूट गर्ल आ चुकी है एक नया ब्लॉग लेके. तो गाइस मैं आप सबके लिए एक सूचना लेके आई हूँ. सूचना मेरे को मतलब भी नहीं पता कि सूचना का क्या होता है, बस लेकर आई हूँ कि आप सब को गालियाँ देने कमेंट्स में कि आपने जानू को धोखा दे दिया और आप प्लीज़ जानू भाई को हाँ कर दो, आपने उनका दिल दुखाया, आप अब गंदे हो, अब गलत हो, आपने बहुत गलत किया उनके साथ. एंड इस टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे. तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें गलत क्या है यार. पहली बात कि आप सबके बोलने पे उसने मतलब कि मुझे प्रपोज़ किया, ठीक है, आप सबके बोलने पे, और हम दोनों का मतलब कि बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है यार, बहुत स्ट्रांग है. फ्रेंडशिप बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है दुनिया में, ठीक है, होना भी चाहिए. आप सबको भी ऐसे दोस्त मिलने चाहिए जो आपका साथ दे, हर घड़ी हर कदम पे आप सबके साथ चले. बट यार आप फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप पे बहुत फ़र्क होता है, गलत है. मतलब कि गलत आप मेरे को बोल रहे हो कि तुम गलत हो, तुमने ऐसा किया उसके साथ. नहीं यार मानती हूँ यार हर्ट होता है इंसान को, बट यार उस टाइप का मतलब कि कुछ नहीं है हमारा, और बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा. तो बाकी सब यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट हेट मी प्लीज़. एंड आगे भी हम आप सबके लिए ऐसे ही जैसे हम पहले ब्लॉग्स बनाते थे वैसे ही ब्लॉग्स लाते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्यूट बहुत ज़्यादा क्यूट. तो वो मेरा दोस्त हमेशा रहेगा, हमेशा फॉर एवर रहेगा मेरा दोस्त. तो पहली बात तो मेरे घर के पास रहता है, ठीक है, और दूसरी बात कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं. और तीसरी बात कि प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलती हूँ, डोंट हेट मी. मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसका दिल नहीं दुखाया, वो बहुत खुश है इस बात को लेके अब मतलब कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं. और यार ये रिलेशनशिप से कहीं अच्छी दोस्ती होती है यार. कुछ लोग मतलब कि अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, चलो अच्छी बात है, कईयों का बहुत अच्छा चलता भी है, अच्छा है कि आते हैं वो. बट यार फ्रेंडशिप एक अलग लेवल की होनी चाहिए यार. अब आप पता नहीं मुझे समझेंगे कि नहीं, क्या बोलेंगे, क्या रिएक्शंस होंगे आपके, यार मुझे नहीं पता. पर यार बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वो मेरा दोस्त है और हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा, लाइफ टाइम तक रहेगा आगे. बाकी यार भगवान पे छोड़ा है सब कुछ कि भगवान क्या करेंगे. प्लीज़ यार मैं दोबारा बोलती हूँ कि मुझे कमेंट में ये इतना सब नहीं बोले. और आप सब ये भी बोल रहे थे कि मैंने उसका फ़ायदा उठाया है, मैंने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं उसका फ़ायदा उठा के. गाइस अगर आपको ऐसा लगता है ना, मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूँगी लिटरली. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता यार, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. मैं स्टार्टिंग से कर लूँगी स्टार्ट, क्योंकि टैलेंट है यार, बना लूँगी दोबारा. मैं उसका यूज़ नहीं किया कभी भी, और वो मेरा दोस्त है और हमेशा रहेगा. और आगे भी आपको ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे हमारे अच्छे अच्छे क्यूट. बस यही बोलना चाहूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली को कि प्लीज़ समझो मुझे, मैंने उसको धोखा नहीं दिया है और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, फॉर एवर रहेंगे. तो क्या बोलते हैं, धन्यवाद आप सबको कि आपने मेरी इतनी बातें सुनी और
कुछ लोग मुझे समझेंगे भी और कुछ लोग नहीं भी समझेंगे। चलो जो समझेंगे उनके लिए भी मेरा प्यार है और जो नहीं समझेंगे उनके लिए भी मेरा प्यार है। तो गाइस, तो अभी जैसे कि आपको एक जगह पर लेके जाएंगे, बहुत दिनों बाद मैं उस जगह की शक्ल देखूंगी, बहुत दिनों बाद धक्के मार मार के, मतलब कि जैसे घर वाले स्कूल भेजते थे ना बचपन में, अब ऐसा नहीं है यार। वो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी यार, बहुत अच्छी थी, बट यार अब खुद ही धक्के खा खा के ना इतना इतना मजबूत हो गया ना, क्या बोले। तो आज हम जाएंगे, आपको बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं, मतलब कि मैं सिर्फ मैं अकेले जा रही हूँ, पर मज़ा बहुत आने वाला है आज के ब्लॉग में। प्लीज़ इस ब्लॉग को देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं वहाँ से, मतलब कि वहाँ का भी आपको दिखाएंगे और फिर मिलते हैं, थोड़ी सी बातचीत करेंगे घर आकर। ओके गाइस, चलो फिर आज हम चले घूमी तो नहीं जा रही, काम था उसलिए जा रही हूँ। तो आपको बताएंगे हम कि हमें क्या काम था घर आके। तो चलो फिर चलते हैं हम। गाइस, हम देखो बड़े दिनों के बाद आए हैं कहाँ। मेरे को तो इस जगह की शक्ल ही भूल गई थी, मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा कोई कंसर्न भी है। देखो देखो, आप हंसोगे कि इतने दिनों बाद मैं आई कहाँ हूँ। मैं कॉलेज आई हूँ बड़े ही दिनों बाद आई हूँ सीरियसली। तो क्या भूलूँ मैं इस बारे में। इस कॉलेज जैसा मर्जी हो पर कॉलेज होता है। सामने आ रहा है संचित, ये इतना पतला है ना कि इसको कोई फूंक मारेगा तो ये उड़ जाएगा। तो आ रहा है सामने से। आई बहुत कटिंग शटिंग करा के आया है लड़का, पता नहीं इसको हो क्या गया है। हाय संचित, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। इतनी जोर से हाथ ब्लॉग बना रही है? हाँ, क्या यार बना रही हूँ मैं। और बताओ क्या हाल है आपका, कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं हेलो गाइस, तो कुछ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, ये बड़ी अच्छी लगती है। मैं पूरी हूँ, बहुत ज्यादा। लोग कह रहे मैंने जानू को धोखा दे दिया, बताओ कुछ बोलो। जानू इनका जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। ठीक है, और आप लोग जो सोच रहे हो वो गलत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को जो सोचना है सोचने दो, सीधी बात है, हमने करना है अपना काम। बिल्कुल, दुनिया की हमें कोई परवाह नहीं। हाँ, दुनिया जाए भाड़ में। तो गाइस, ये मेरा मतलब कि भाई जैसा यार, सच्ची में बहुत अच्छा है ये। इसको भी फॉलो कर लो संचित को सारे इंस्टाग्राम पे। ये इसकी आवाज़ तो सुनाई दे नहीं रही होगी पर मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अच्छा है ये, तो बहुत हेल्प करता है मेरी, मतलब हेल्प करता बहुत, हर मतलब कि हेल्प के लिए रेडी रहता है हमेशा। क्या बोलूँ और मैं इसके बारे में। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, पहुँच गए शीट्स लेने, एग्ज़ाम्स हैं मेरे 11 से। तो ये मेरे लिए शीट्स ले रहा बेचारा, मेरा भाई संजय। चलो लेते हैं शीट्स। गाइस 10 घंटे से खड़े हैं हम यहाँ पे, शीट्स नहीं मिल रही, खज्जल हो रही हूँ बड़ी, क्या बताऊँ मैं आपको। शीट्स गाइस फिर मिल जाएगी, पर पेपर का कुछ नहीं। ये बड़ा पतला है यार, इसमें जान ही नहीं है मेरे, पेपर का कुछ भी नहीं आता। सही बात है यार, प्लीज़ चिटिंग करा दो यार, प्लीज़ चिटिंग करा दो प्लीज़। गाइस गुड इवनिंग, तो आपकी क्यूट गर्ल उठ चुकी है, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। तो आपकी क्यूट गर्ल को बहुत सारी नींद आ गई थी तो इसलिए वो सो गई। तो साथ में कॉलेज से आके ना बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, तो मैं नींद की बहुत सारी, फिर मैं अभी उठा हूँ। तो फिर अब मैं करूँगा ब्लॉग को एंड यहाँ पे ही। तो कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक मतलब कि मैं और जानू ब्लॉग बनाएंगे कल, सुंदर वाला, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसके लिए हम दोनों के चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू माई यूट्यूब फैमिली एंड माई इंस्टाग्राम फैमिली, और प्लीज़ डोंट हेट मी यार, आई लव यू गाइज। Okay, bye-bye.